राजस्थान से इस वक्त की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज निकलकर सामने आ रही है कि राजस्थान में विधानसभा का चुनाव 25 नवंबर को होना है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सभी पार्टी और नेता इस समय चुनाव की तैयारी में जुटे हैं। इस बीच मंगलवार को कांग्रेस खेमे से इलेक्शन करने वाली खबर सामने आई। खबर थी कांग्रेस के विधायक और प्रत्याशी की मौत की। जैसे ही ये बात सामने आई, राजनीतिक गलियारों में शोक की लहर दौड़ गई। लेकिन थोड़ी ही देर बाद विधायक के बेटे का बयान सामने आया, जिसमें बताया कि विधायक की मौत नहीं हुई है, उनकी स्थिति बेहद नाजुक है, वो इस समय वेंटिलेटर पर है। लेकिन थोड़ी ही देर के बाद विधायक के बेटे रूबी कुन्नर का एक ऑडियो सामने आया, जिसमें रूबी ने विधायक गुरमीत सिंह कुन्नर की मौत की खबर का खंडन किया है। मालूम हो कि करणपुर विधायक गुरमीत सिंह कुन्नर को स्वास्थ्य में खराबी के चलते पिछले दिनों दिल्ली के एम्स में इलाज के लिए भर्ती करवाया गया था। इस बीच उनके खराब स्वास्थ्य की खबर भी सामने आई, लेकिन आज दोपहर उनके निधन की खबर सोशल मीडिया पर तेजी से फैली। इस बीच उनके बेटे रूबी कुन्नर ने एक ऑडियो जारी किया, जिसमें उन्होंने कहा कि वे दिल्ली के अस्पताल में ही मौजूद है और विधायक का इलाज अभी चल रहा है। उन्होंने विधायक के निधन की खबर का खंडन भी किया। विधायक के पीए ने बताया कि उनकी हालत स्थिर है, अभी विधायक वेंटिलेटर पर जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रहे हैं। उनके शुभचिंतक उनकी सलामती की दुआ कर रहे हैं। बताते चले कि विधायक गुरमीत सिंह कुन्नर 1998 में कांग्रेस के टिकट पर चुनाव जीते, इसके बाद 2008 में निर्दलीय चुनाव जीते और फिर 2018 में एक बार फिर से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव जीते थे। गुरमीत सिंह कुन्नर की गिनती श्री गंगानगर के वरिष्ठ कांग्रेस नेता के रूप में होती है। पार्टी ने इस बार भी उन्हें करणपुर सीट से टिकट दिया है। दोस्तों, वीडियो को शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।